हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेटीएम का पोस्टपेड है वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं पोस्टपेड अमाउंट। तो उसके लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा मेन्यू पे, उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन नीचे आएगा पेटीएम पोस्टपेड, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि ये पोस्टपेड है ये हो जाएगा, तो आपको ऐसा एक मैसेज आएगा, आपको एक्टिवेशन करना पड़ेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप स्पेंड करते हो तो एवरी मंथ बिल जनरेट होगा, विद इन 7 डेज में आपको पे करना है, और ये सब देखना है। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा और फाइन चार्जेस देखना है, तो ये सब लेट पेमेंट हो सो फाइन देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपका अबो 5000 है तो 600 रुपीज़ देना पड़ेगा, ये सब उसका ये है, तो आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसा भी देख सकते हो मेरा 1000 रुपीज़ एक्टिवेट हुआ है स्टार्ट शॉपिंग, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए मुझे मैसेज भी आ गया, तो आप ये सिंपल है, आप यूज़ कर सकते हो, तो ट्राई कीजिए। तो अगर नहीं हुआ तो फिर से ये कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर को बात कीजिए। तो प्लीज़ देखो मेरा वॉलेट पे दिखाई देगा बैलेंस वो सब, तो अभी मैं क्या करता हूँ पासबुक क्लिप ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे 3 बैलेंस आएगा, पेटीएम वॉलेट गोल्ड और पोस्टपेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पेटीएम पोस्टपेड ऐड हुआ है अमाउंट, तो यहाँ पे मेरा 1000 ऐड हुआ है। जैसे कि ये लिमिट अगर यूज़ करते करते बढ़ जाएगा, तो ये कीजिए। थैंक यू।